शोएब भाई, यहाँ पर क्योंकि धर्मशाला की जो पिच है वहां पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, वैसे तो जो जो विजुअल्स आ रहे हैं वो विजुअल्स ही आ रहे हैं कि घास का एक तिनका नहीं है पिच पर, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या बैटिंग करनी चाहिए क्या बॉलिंग करनी चाहिए ऐसी पिच पर? देखिए, आकाश से दुश्मनी ली नहीं जा सकती। वो सब समझता है भारत को अंदर बाहर से, पिचेस को बहुत समझता जी। और बेस्ट क्रिकेट एनालिसिस आपको इस मदद से मिल सकते हैं आपको। देखिए, बात यह है कि धर्मशाला में एक पहाड़ों करीब है और मुझे याद है मैं और आकाश ही थे पहाड़ों की चोटी पर बैठे थे अकेले। हम जब काम कर रहे थे कंपनी के लिए सार के लिए तो अकेले बैठे हुए थे, तो हमने कहा ठंड बढ़ी है तो भाई कंबल ले सो जा। तो पहले बैटिंग के लिए चुप करके जान छुड़ाइए और भागिए। देखिए, हमने 10वीं 12वीं के टेस्ट दिए हुए हैं, 10वीं में स्पेशली। तो 10वीं में एक टेस्ट था यार, सारे टेस्ट पास कर लिए, एक रह गया यार मैथमेटिक्स का, मैथ का टेस्ट रह गया। मेरे ख्याल से शोएब भाई का नेटवर्क अभी भी थोड़ा सा खराब है, मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ी सी दिक्कत, बार बार अटक रहा है शोएब भाई का नेटवर्क भी मैच का टेस्ट दे रहा है। मुझे शोएब भाई को बुलाना ही पड़ेगा इंडिया। मुझे जो धर्मशाला में साथ में थे एक्चुअली, लेट मी जस्ट टेल यू क्विक स्टोरी। तो उस दिन ना हमें लेने के लिए गाड़ियों ने आना था, वो आई नहीं पाई क्योंकि धर्मशाला में ऊपर रह रहे थे मैक्लोडगंज के पास। अब वहां से सिर्फ एक रास्ता ऊपर नीचे जाता है, इंडिया साउथ अफ्रीका का शायद मैच था और खत्म, दैट्स इट। वहां पे लोग गाड़ियों में सो रहे थे तो हमने किसी से लिफ्ट मांगी थी, वो गोदी में बैठ के गया था भाई, हमारे आरपी सिंह शायद गोदी में बैठे हुए थे शोएब अख्तर के, और पीछे वो एक गाड़ी के अंदर चार पांच लोग, एक होटल के हमारे मालिक जो थे वो लेकर हमें जा रहे थे, उसके अंदर इतनी सी जगह बची हुई है, वहां पे शोएब को नीचे उतारा गया, फिर फोटो खींच रहे हैं, फिर हम एयरपोर्ट तक पहुंच रहे हैं। वो मैच मैं भी देखने पहुंचा था और वाकई में धर्मशाला में वो इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी थी, इंडिया मैच आ रही थी वो, लेकिन हार गई थी। लेकिन उस दिन धर्मशाला इतना पैक्ड था भाई, लोग होटलों के बाहर सो रहे थे, उस पर सो रहे थे वहां पर। अच्छा ये बता दिया, मुझे लगा जिस फ्लो में बोल रहे थे, उस दिन मैं भी मैच देख रहा था, मैं भी गोदी में बैठा था, मेरे को टेंशन हो गई थी किस बंदे की गोदी तोड़ के आएगा आदमी, गोदी बची कहां है, वही तो मैं कह रहा हूं बंदा। लेकिन चलो, मैच की कहानियों के बीच में अब धर्मशाला चलते हैं, पाकिस्तान से तो कनेक्शन जुड़ नहीं पा रहा है। धर्मशाला में हमारे रिपोर्टर्स वहां पर हैं, कपिल भाई वहां पर मौजूद हैं, कपिल भाई से जानेंगे कि वहां पर धर्मशाला में मौसम की भी बात जाननी है क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं। किरण भी हमारे साथ मौजूद है। कपिल, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, मौसम के ऊपर भी एक अपडेट लेना ही पड़ेगा आपसे, चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शायद बारिश के चांसेस थोड़े बहुत हल्के बुरे हो सकते हैं, पर वैसे वहां पर माहौल कैसा है इंडिया न्यूजीलैंड मैच से पहले? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको धौलाधार की पहाड़ियां ही दिखा देता हूं, जिसकी वजह से यहां पर जो हवाएं चलती है और जो तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है, वहां से जब हवा चलती है तो स्विंग यहां पर होता है, बॉल थोड़ा हिलता है। लेकिन उसके अगर मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं चयन थोड़ी देर के लिए, तो अगर आप देखें ये बड़ी देर से हुआ हो रहा है कि न्यूजीलैंड भी चार मैच जीता है, हम भी चार मैच जीते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड किसको हरा क्या है अगर थोड़ा सा और देखें ध्यान से, नीदरलैंड्स को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को और इंग्लैंड को। कौन सी इंग्लैंड? जो अफगानिस्तान से हार गया, जिसको साउथ अफ्रीका ने 400 पीट दिए, जो बहुत खराब दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भी कोई ऐसा बहुत जबरदस्त ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड का पेस अटैक ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो बात आकाश कह रहे हैं, आज मैं आकाश से एकदम 100% सहमत हूँ, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। अगर आप टॉस जीते, आप बैटिंग करिए, आप लगाइए बोर्ड पे साढ़े, और ठीक है ड्यू आ रहा है, नो डाउट आ रहा है, मैं कल 9:30 बजे तक यहाँ पर था और 6:30 बजे से ही आ जा रहा है और बहुत गीला हो रहा है, तो वो स्पिनर्स को दिक्कत आएगी, बॉल भारी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये गुड टॉस टू लूज होगा क्योंकि न्यूजीलैंड मुझे लगता है कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी ही करेगा, वो चेज करना ही प्रेफर करेगा, तो रोहित क्या करेंगे देखना होगा। लेकिन राहुल द्रविड़ ने भी कल बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बात अपनी कही, हम सब जानते हैं वो अपने 11 बताते नहीं है, जब कप्तान थे तब भी नहीं बताते थे, तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा क्या क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग कहा, उन्होंने कहा हम 3 स्पिनर खिलाएंगे या तो 3 तेज गेंदबाज खिलाएंगे, और 3 तेज गेंदबाज खिलाते हुए भी हम जडेजा को ऊपर करके अश्विन को फिर भी खिला सकते हैं। तो वो ऐसा कंफ्यूज करके गए हैं न्यूजीलैंड की टीम को कि आपके खिलाफ जो आपके जो 5 लेफ्टी है ना, कॉनवे, रचिन रविंद्रा, टॉम लेथम, चैपमैन और आपके मेसेंटनर, ये जो 5 लेफ्टी हैं, इसके लिए अश्विन लेके आ रहे हैं हम,
और एक घंटा बॉलिंग करी, आधा घंटा बैटिंग करी अश्विन ने, शमी कल आए नहीं थे, तो राहुल ने पूरी कोशिश करी है कंफ्यूज करने की, लेकिन मुझे लगता नहीं है, लगता नहीं अश्विन खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव और शमी को आप खिलाइए। और आपको एक छोटा सा मैच याद दिलाता हूँ, T20 वर्ल्ड कप, हम मेलबर्न में अच्छा खेले, एडिलेड में अच्छा खेले, सिडनी में अच्छा खेले, 186 176 182 बनाए, लेकिन जब पर्थ में मुकाबला था तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ एनगिडी 4, पार्नेल 3, एक और सब आउट हो गए, 133 पर ऑल आउट हो गए थे 20 ओवर में, वो मैच हम हार गए थे, लेकिन उस मैच में कौन चला था, सूर्य कुमार यादव, 68 बनाए थे, छक्के लगाए थे, चौके लगाए थे। अब हालांकि वो कहेंगे कि खुद रन बना रहे हो पुणे की पाटा पे और धधकती धर्मशाला पे मुझे खिला रहे हो, लेकिन वो कमाल के प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे लगता है कि इवन कॉन्टेस्ट होगा, जल्दी से जान लेते हैं फैंस क्या कह रहे हैं, बताइए क्या होने वाला है, जीतेंगे इंडिया, बिल्कुल जीतेगा, और विराट कोहली की आज सेंचुरी लगेगी, न्यूजीलैंड की पेस बैटरी की बड़ी चर्चा हो रही है, टेंशन की बात तो नहीं है, स्विंग होगा लेकिन जेल जाएंगे, बिल्कुल। आप बताइए, बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा और सबसे ज्यादा विकेट बुमराह ही लेगा और बहुत अच्छी बॉलिंग होगी और शुभमन गिल भी शतक मारेगा 100 मार। विराट की एक सेंचुरी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, 127 की पारी है और उस पुणे की पारी के बाद एक बार फिर से उम्मीदें रॉकेट हाई है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लग रहा था पीछे उनके बबूमान खड़े हैं, मित्र आदि छतरी तोड़े। लेकिन चलो, जब धर्मशाला की बात चली रही है तो किरण जी से भी बात कर लेते हैं, किरण भी वहां पर मौजूद हैं। और किरण, ये बात मेरे को पूछनी है कि न्यूजीलैंड बोगी टीम है टीम इंडिया के लिए, सारे के सारे जो भी हम जिस तरीके से ICC इवेंट्स में हमारे सामने हमेशा जब भी न्यूजीलैंड आता है तो पता नहीं एक गलत सी स्ट्रीक सी बनी हुई है कि इंडिया मैच आता है, लेकिन जो दर्शक आए हुए हैं आपके पीछे, जो लोग फैंस दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या उनको उम्मीद है कि इस बार वो जो स्ट्रीक है वो टूटने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, और इससे पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से इंडियंस मेरे को आज न्यूजीलैंड की जर्सी में भी दिखे हैं। अच्छा, वो भी अंदर जा चुके हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती। बहुत से इंडियन फैंस जो यहाँ रहते हैं और लेकिन न्यूजीलैंड के फैन है, वो न्यूजीलैंड की जर्सी पहन कर आए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा न्यूजीलैंड जिस हिसाब का क्रिकेट खेलती है और जिस स्पिरिट से खेलती है हम उसके फैन है, इसलिए आज हम न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने आए। खैर, लोगों से पूछते हैं कहाँ से आए हैं और आपको लग रहा है कि आज टीम इंडिया बेहतरीन कॉन्टेस्ट देने वाली है, न्यूजीलैंड से हम लोगों को एज है? हाँ, क्योंकि पता नहीं सोचने के बाद देखिए, क्योंकि अभी 1.5 घंटा हो गया इनको लाइन में खड़े हो, मुझे लगता है आधे लोग ब्लैंक हो गए, या पीछे तस्वीरें देखिए, ऊपर पहाड़ी है, पहले रोक दी गई है, तो इस वजह से आप बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज टीम इंडिया से, कितना टफ कॉन्टेस्ट आज होने वाला है? इंडिया से पहले तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BCCI थोड़ी अरेंजमेंट बेटर करे, हम लोग 1.5 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं। Other than that, of course, we want India to win. Bharat Mata ki! गाड़ियों की पूरा जाम पैक्ड हो गया था, तो कुछ यहाँ पर वो हिसाब किताब है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा नेटवर्क भी वहां पर खराब हो रहा है।